हेलो स्टूडेंट्स, आई एम साधना कुमारी फ्रॉम महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा, वर्ग पंचम, विषय संस्कृत। बच्चों, आज मैं आपका चैप्टर 14, इसका कि शीर्षक महात्मा बुद्धा है, लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस महात्मा आपका चैप्टर 14 जो है, इसको मैंने पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको बता दिया था। ये महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में इसमें कुछ बातें लिखी गई हैं, जो कि मैंने आपको पढ़कर इसके हिंदी अर्थ के साथ आपको बता दिया था। इसका शब्दार्थ भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। और इसका प्रश्न संख्या 1 जो है, वो भी मैंने आपको करवा दिया था। आज मैं करवाऊँगी इसके प्रश्न संख्या, इसके अभ्यास कार्य का प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको पता ही है कि फिल इन द ब्लैंक्स में जो है, वाक्य में से एक या दो शब्द को हटा दिया जाता है, जिसको कि भरकर आपको उस वाक्य को कंप्लीट करना होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। बच्चों, आपका चैप्टर है 14, जिसका कि शीर्षक है महात्मा बुद्धा। यह मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पढ़ाने के बाद इसके प्रश्न संख्या 1, जो कि मैं यहाँ पर इस कॉपी में मैंने आपको लिखकर इस प्रश्न का, सभी प्रश्नों के उत्तर को मैंने लिखकर आपको बता दिया था। आज मैं करवाऊंगी प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें खाली स्थान से जो शब्द छूटा है, उसको भरकर मैं सभी वाक्यों को कंप्लीट कर दूंगी। तो आइए बारी बारी से मैं इन सभी जो आपका जो क ख ग घ में जो भी वाक्य है, उसको मैं पढ़ती हूँ। यहाँ से जो भी शब्द हटा है, उसको भर देती हूँ। इसका जो पहला जो शब्द है, इसका ये पहला जो इसका क में जो है लिखा हुआ है, बाल्यकाले एव तस्य, फिर खाली स्थान है, फिर स्वर्गं गता। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, उसको मैं बारी बारी से भरूँगी। यहाँ है बाल्यकाले एव तस्य, तो यहाँ पर जो छूटा हुआ शब्द है, वह है जननी, उनकी माता, उनके जब वो छोटे थे तभी स्वर्ग, उनका स्वर्गवास हो गया था। तो बाल्यकाले एव तस्य जननी स्वर्गं गता। अब दूसरा में है कि तस्य पिता तस्मिन, फिर खाली स्थान है, लक्षणं दृष्टवान। यहाँ जैसे कि मैंने लिखा है तस्य पिता तस्मिन, यहाँ पर खाली स्थान में जो है वो भरना है आपको महापुरुषस्य। लक्षणं दृष्टवान, उनके पिता को उनमें महापुरुष के लक्षण दिखते थे। अब यहाँ पर गौ में है अहिंसाया, खाली स्थान है, फिर है क्रिया। तो इसके यहाँ पर जो खाली स्थान में आपको भरना है पालनं, महात्मा बुद्ध जो थे वो अहिंसा के लिए ज़्यादा जोर देते थे कि अहिंसा का पालन करना चाहिए। अब यहाँ घ में जो है वो पहले खाली स्थान है, फिर है सह बुद्ध बभू। तो इससे पहले जो आपको लिखना है, वह है वो सह बुद्ध बभू, कब वो बुद्ध हुए, बोधं प्राप्य, जब उन्हें बोध प्राप्त, ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह बुद्ध हो गए। बोधं प्राप्य सह बुद्ध बभू। अब यहाँ पर जो है पांचवा जो प्रश्न है मम्मी, वह है सर्वेषु प्राणीषु, फिर खाली स्थान है और कर्तव्य है, तो सभी प्राणी के प्रति क्या करना चाहिए, तो दया करना चाहिए। इस प्रकार से जो आपका जो पांच यह प्रश्न जो पूछे गए हैं, पांचों में बाल्यकाले एव तस्य जननी स्वर्गं गता, यहाँ पर जननी था तो भर दिया मैंने, तस्य पिता तस्मिन् महापुरुषस्य लक्षणं दृष्टवान, तो यहाँ महापुरुष भरना था, क्योंकि भरकर मैंने इस वाक्य को कंप्लीट कर दिया। गौ में था अहिंसाया पालनं कुर्यात्, यहाँ पर पालनं छूटा हुआ था, जिसको कि भरकर मैंने इस वाक्य को कंप्लीट किया। घ में था
खाली स्थान था, वहाँ मैंने बोधंग प्राप्य सह बुद्ध बहु, यहाँ पर मैंने बोधंग प्राप्य को भरकर इस बात को कंप्लीट कर दिया। पाँचवा में गांव में जो है सर्वेशु प्राणीशु, फिर खाली स्थान था और फिर था कर्तव्य, तो यहाँ पर मैंने दया शब्द भरकर इस बात को कंप्लीट कर दिया। इस प्रकार से मैंने आपके जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी फिल इन द ब्लैंक्स जो भी था, जो भी खाली स्थान था उसको मैंने भरकर आपके कार्य को कंप्लीट कर दिया है। आप सभी बच्चे भी ध्यानपूर्वक अपने इस कार्य को कॉपी में करके इसे याद करेंगे। बच्चों, मैंने आप अभी आपके जो प्रश्न संख्या दो, आपके चैप्टर 14 का प्रश्न संख्या दो जो था, उसे भी मैंने आपको करके बता दिया है। आगे के कार्य को लेकर मैं फिर उपस्थित होंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।